guys, welcome back to our channel This Side Winkle. I'm Manjot and you're watching Explorers, तो गाइज वेलकम बैक टू एन अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज की वीडियो गाइज जो बच्चे नए आ रहे हैं और जिनको जॉब चाहिए उनके लिए बहुत 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 ही स्पेशल होने वाली है, बिकॉज आज हम कर रहे हैं मेरिलॉग। तो आज हम आपको सिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे हम ऑर्डर पिक करते हैं, कैसे हम ऑर्डर डिलीवर करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें जो मेन्यू लॉग में करनी चाहिए, और क्या हम दो बंदे जैसे हम कर रहे हैं तो क्या क्या इसका बेनिफिट है और क्या इसके लॉसेज हैं। तो कीप वॉचिंग, कीप स्टेइंग, क्योंकि आपको बहुत सारी नॉलेजेबल कॉन्टेंट मिलने वाला है आज की वीडियो में। क्यों मंजूर? You're right, brother. तो उससे पहले हम क्या करने हैं, क्या करना है, तेल लगवा रहे हैं क्योंकि यार गाड़ी बुक है हमारी, ई का साइन आ चुका है। तो पहले तेल डलवाएंगे फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। अगर बीच में एक ऑर्डर आ गया तो वो पहले भी दिखा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि जब ऑर्डर आएगा तब पिक करके आपको दिखा देंगे। तो राइट नाउ वी आर रशिंग टू पेट्रोल पंप। बीच में आ गया था ऑर्डर, तो मंजोत अभी ऑर्डर लेने गया है। तो मैं तब तक आपको बता दूं कि जो मेन्यू लॉग है और जो ऊबर ईट है बोथ आर द सिमिलर ऐप्स, बट दोनों का प्लेटफॉर्म वक्रा वक्रा है चलाने का, और दोनों का जो ऐप्स हैं, जो इनका सॉफ्टवेयर है वो भी बहुत डिफरेंट है। बट काम है, जो मेन कोर्स है इनका वो सेम है कि फूड उठाना है रेस्टोरेंट से एंड आपको कस्टमर को डिलीवर करके आना है उसके घर। तो इसको आप तीन चीज़ों में चला सकते हैं, साइकिल पे, बाइक पे एंड कार पे। तो इट्स अपॉन यू, अगर आपके पास कार है तो कार पे चला लो, बाइक है बाइक पे, साइकिल है तो साइकिल पे। तो ये उन्होंने जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए बहुत ही कन्वीनियंट बनाई है, मतलब बहुत ही इजी है, वेरी इजी टू यूज़ है, और डिलीवरीज भी आती हैं कंसिस्टेंटली। मतलब कि अगर एवरेज ऑन एवरेज लगा के चले, वो वैसे हम आपको पूरी वीडियो में करके दिखाएंगे कि कैसे आती है, बट राइट नाउ एक नॉर्मल सा गैस लगा देता हूँ कि अगर आप 22, 23, 24 मतलब मिनिमम इतना आप निकाल ही लेते हो एक घंटे में, अगर आप दो घंटे या चार घंटे की शिफ्ट करते हो। हाँ, और सबसे मेन बात जो है कि मेन्यू लॉग में आपको मिलती हैं शिफ्टें जो कि चार घंटे तीन घंटे ऐसे आपको अलॉट की जाती हैं, आपको एक दिन पहले बुक करनी पड़ती हैं। बट जो ऊबर ईट का है, ऊबर ईट का हिसाब ऐसे है कि आप जब मर्जी ऑन कर लो और जब मर्जी वो चल पड़ेगी। बट मेन्यू लॉग में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको शिफ्ट लेनी पड़ेगी, बट जो पे रेट है वो दोनों का आई थिंक 50 सेंट समथिंग ऐसे 80 सेंट ऐसे फ़र्क पड़ जाता है समटाइम्स, बट नॉर्मली सेम ही चल जाता है। बट हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि क्या चीज़ है और कैसे होगा और कैसे नहीं होगा राइट नाउ। तो मैंने आपको बताया मंजूर लेने गया, अब वो लेके आएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट जब ऑर्डर आएगा उसको बोलूँगा कि वो शूट कर ले कि कैसे ऑर्डर आता है, कैसे पिक करना है और कैसे रेस्टोरेंट में जाके लेके आना। तो स्टे कनेक्टेड, बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ आकर अगर गाइज आपके पास जॉब नहीं है स्टार्टिंग में तो आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पे लेके ऊबर ईट कर सकते हो, और उससे भी बेटर आप साइकिल लेके मेन्यू लॉग कर सकते हो। तो देखते रहें, आपके लिए नॉलेज मिलेगी। आप देख सकते हैं हमारा गंगू तेली, ये देखो तेल भर रहा है गंगू तेली, गोरियां देखनी है आपको तो गोरियां भी दिखा देते हैं, वाइट वाइट बना दी है। अरे गोरियां दिखाओ इनको, कार में बैठी है देख रही थी तिरछी नजर से बहन, जा रही है गोरी, कह रही है जा रही हूँ मैं। तो क्या कर रहा? बैक मार रही है। ये देखो हमारा गंगू तेली, गंगू तेली बैक मार रही, बैक पीस हो गया। भैया तेल तो बाहर आ गया, भर गई, ज्यादा भर गई, इतना पी गई गाड़ी, देख लो। चलो ये है कि एक हफ्ता पार हो जाएगा, अब चलते हैं। बताओ
तेल भी भरवा लिया। अब एक और डिलीवरी जो हमें आई थी तेल भरवाने से पहले, वो हमने अब डिलीवर कर दी है। ये मंजोत गया है बाहर देने, तो ये ट्रांसपोर्ट एरिया था तो यहाँ पे वो देने गया है। आई डोंट नो, मतलब घर नहीं है किसी का, लाइक फैक्ट्रीज हैं या ऑफिस होंगे तो वहाँ पे गया है। तो ये आ गया देख के पीछे, वो दिख रहा है आपको, पता नहीं किससे बातें कर रहा, लड़ी आ रहा है। दो डिलीवरियाँ की हैं और उसके बाद मैकडी के बाहर खड़े थे, तो हमें हमारी ऐप में आ गई है $1 की संडे, तो हमने मंजोत को बोला कि जा ले आ, और ये वहाँ से जाके ले आया। तो अब ये खाएंगे, देखते हैं डिलीवरी आती है तब तक उस। अरे ठीक है, ये कह रहा मैंने भी खानी है, तो मैंने कहा तू भी ऐप डाउनलोड कर ले और खा ली। ठीक है, ये आ गया ऑर्डर। तो ये नीचे टाइम लिखा होता है 43 सेकंड में आपको एक्सेप्ट करना है, तो ये अभी मंजोत ने एक्सेप्ट कर लिया। तो उन्होंने अब हमें रास्ता बता दिया कि क्या है, पेपर लंच यहाँ से हमने इस ऑर्डर को उठाना है। तो ये हमारे यहाँ से 130 मीटर है, तो ये तो मंजोत चला जाएगा। तब तक के लिए मैं इसके लिए फ्राइज़ लेके आता हूँ। अरे वो मेरे फ़ोन में है ना, तो तू पहले ले आ, फिर आके मैं फ्राइज़ ले आऊँगा, पक्का लेके आऊँगा। जब तू ले आता, चल मैं पहले फ्राइज़ ले आता हूँ। ठीक है, आइसक्रीम। तो ये भाई बोल रहा है कि मेरे को फ्राइज़ ला के दे, तो इसको भी सेम ऑफ़र है कि पिक अ मीडियम कॉफ़ी और अ फ्राई। तो ये हमें वहाँ पे जाके दिखाना पड़ेगा, और $1 दो और फ्राई ले लो। ये आ गया हमारा ऑर्डर नंबर। ये आ गई हमारी फ्राइज़, अब हम चल रहे हैं मीडियम फ्राइज़, हाँ स्मॉल भी नहीं, मीडियम फ्राइज़। ये बैठा पट्ठा, नहीं मिलनी किसके साथ कह रहे हैं पिक करने, तो बस ये ऐसे जाएगा। और बैग लेके जाना ज़रूरी है, क्योंकि बैग के बिना ऑर्डर नहीं देते मेनू लॉक वाले। और दरवाजे देखो दोनों खुले छोड़ गए, इतना बदतमीज है ये। तो ये हमने जाना है 12 मिनट की ड्राइव, 6.5 किलोमीटर। तो इसके हमें पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे, $10 मिलेंगे। तो जब मिलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कैसे एंड करते हैं। तो लेके आने के बाद ये प्रोसेस है, आपको मैप लग जाएगा खुद ब खुद, तो वहाँ से आपको जाना है उस लोकेशन पे। तो पहले लोकेशन पे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या सीन है। तो गाइस ये हमने ऑर्डर कर दिया है डिलीवर। तो ये ऐसे आपको यहाँ पे टिक लगाना होता है, और इधर को इसको स्लाइड करना होता है, और ये पैसे आ गए। तो अब ये सर्चिंग पे, ये देखो यहाँ लिखा आ रहा है मैचिंग फॉर द ऑर्डर, तो ये सर्च करेगा अब। तो जब आएगा हाँ, तो ये जस्ट हम आपके लिए कर रहे हैं, वैसे हम करते नहीं हैं ये, तो बैलेंस दिखाते नहीं हम अपना वैसे किसी को। बैलेंस की बात कि जो नए भाई आ रहे हैं, जो नए बच्चे आएंगे अब रिसेंटली या फिर आगे आएंगे अगले इंटेक्स में, तो उनको पता लगना चाहिए कि ब्रिस्बेन में रहकर जो उबर ईट है या फिर मेन्यू लोग है, ये कितने पैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, कैसी चलती है। मैं आया था, मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी कि गाड़ी में कैसे किया, मैंने पहली बार ही किया, मैंने नहीं कभी की, इसका अकाउंट एक्टिवेट था, तो मैंने सोचा चल वीडियो बना लेते हैं, और पैसे तो आएंगे, और ऊपर से फिर आपको भी कुछ दिखाने के लिए मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी अब देखते हैं क्या सीन है, नहीं तो फिर अगर जितने बने लास्ट में आपको बताएंगे जब घर जाएंगे, नहीं तो फिर अगर बीच में कुछ हुआ तो वो भी दिखा देंगे। तो गाइस हमने की उबर आई थिंक 2 आवर्स, एंड हमारे बने $30, ऑलमोस्ट 35 सेंट कम थे, मतलब 29.95 सेंट थे। तो ये देख लो आप हिसाब किताब क्या है, आज ट्यूसडे था ना, कोई मतलब इतना बिजी डे था ना ही कोई बहुत अच्छा टाइम चूज़ किया था हमने, मतलब कि एक जस्ट नॉर्मल टाइम था कि हाँ, मतलब नॉर्मल डिलीवरीज़ अगर हम बोलें कि 2 घंटे में इतनी आती हैं। अगर आप यही वीकेंड्स पे कर रहे हो, लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे इवनिंग सैटरडे पूरा दिन और संडे मॉर्निंग तक, मतलब 6 बजे तक, 6 बजे से पहले आई थिंक सो, और 8-8 बजे तक मैक्सिमम, तो मतलब कि यू कैन ईज़िली अर्न एक दिन में $100 और मोर देन दैट, अगर आप फ्रीक्वेंटली कर रहे हो, अच्छे से चला रहे हो और रुक नहीं रहे, आपको डिलीवरीज आ रही है, तो नॉर्मली आप इतना कमा लोगे। तो राइट नाउ अभी हमें किसी के घर से कोई सामान पिक करना था, तो हम वहाँ खड़े हैं, एंड ये जो सारा सीन था मैंने आपको दिखा दिया कि क्या था क्या नहीं, और मतलब कितने पैसे बने कितने नहीं, क्या कितनी देर चलाई। होप आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पता चल गया होगा कि क्या सीन है क्या नहीं, मतलब कैसे चलाएं, क्या करना चाहिए, ये अच्छी जॉब है कि नहीं, ये अब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप डिसाइड करके बता सकते हैं, बट जो हमारी तरफ से हुआ हमने आपके लिए किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी सेफ एंड
explorers, baby. Don't believe me. I'm a true liar.